बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं जो आपके सामने रेसिपी लाई हूँ वो है बिहारी कलेजी। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, कलेजी मैंने लिया आधा किलो, दही लिया एक कप, काली मिर्च आधा चम्मच, सुरख मिर्च आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, सूखा धनिया एक चम्मच, आधा चम्मच हल्दी और जो बिहारी मसाला दो चम्मच मैंने लिया है। ये मैंने प्याज ब्राउन एक अदद प्याज लेके उसको काट के ब्राउन कर लिया है और ये दो चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है। तो सबसे पहले मैं ये कलेजी ली है, इसमें मैं ये जो दही है वो डालूंगी। बिस्मिल्लाह। उसके बाद ये जो मैंने लहसुन है ये डालूंगी और ये जो सारे मसाले रखे वो भी मैं इसके साथ डाल के ये जो मैं प्याज ब्राउन करके रखा हो तो इसको ऐसे मसल के तो इसको भी मैं अब इसके अंदर डाल दूंगी। ये डाल के अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। लहसुन डालने से इसकी जो कलेजी की थोड़ी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसको मैं मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, आधे घंटे के लिए, फिर मैं इसको बनाऊँगी। ये देखिए मैरिनेट हो गई है और अब इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी और आधे घंटे के बाद बनाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने ऑन करके कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल लिया गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब मैं इसमें ये जो कलेजी थी मैरिनेट करके रखी थी उसमें डाली। अब देखिए मैंने ऑयल में डाल दिया कलेजी, अब इसको मैं 5 मिनट भूनूंगी ताकि ये जो दही है वो खुश्क हो जाए। तो उतनी देर में मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी ताकि कलेजी गल जाए और ये दही भी जो है खुश्क हो जाए। ये देखिए 10-15 मिनट हो गए और ये जो मर्जी है अब भूनने के लिए तैयार है। अब 5 मिनट में इसको और भूनेंगे। अब मैं इसमें नमक पहले मैंने नहीं डाला था, नमक पहले डाल दें तो ये थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है तो नरम नहीं बनती। तो अब मैं इसमें आधा चम्मच डालेंगे नमक, आप भी अपनी मर्जी के मुताबिक डाल लें। अब मैं इसमें एक गिलास पानी डालूँगी। पानी डालना ज़रूरी है, अगर पानी आप ना डालेंगे तो नरम नहीं होती ज़्यादा, इससे आपकी कलेजी जो है नरम बनेगी मलाई की तरह। देखेंगे अब मैं इसके ऊपर दोबारा से ढक्कन दे दूँगी ताकि ये अच्छी तरह। देखो हमारी बिहारी कलेजी तैयार हो गई है। ये देखें कितना अच्छा इसमें कलर आया है और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और ये देखें गल भी ये किस तरह गई है, बिल्कुल नरम और मलाई है। देखो जैसे मलाई होती है उस तरह गल रही है। अब मैं इसको डिश में निकालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें हमारी बेयारी क्रेजी तैयार हो गई है। देखें इसमें कितने कलर आया और बहुत ही ये जो है मज़े की बनती है। आगे मैं ये ट्राई किया, ये बहुत मज़े की बनी थी तो मैंने आज भी ये बनाई है। तो आप भी इसी तरह मेरी रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और इसी तरह बनाएं, ये बहुत ही मज़े की बनती है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।